सदा ना रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी का ऐश्वर्य, किसी का साम्राज्य सदा नहीं रहा, किंतु आदमी प्रमाद में हो जाता है और प्रमाद में पड़ करके आदमी भटकता है। तो सदगुरु कहते हैं मरने की कला, मरने की कला वही आदमी जानता है जो आदमी जीने की कला जानता है। जो आदमी जीना नहीं जानता है वो आदमी मरने की कला भी नहीं जानता है, ये पक्का सोच। इसलिए नीति में कहा गया है कि दिन में कोई ऐसा काम ना करो कि शाम को पछताना पड़े। 8 माह इतना धन कमाओ कि 4 माह बरसात ठीक से बीते। जवानी में कोई ऐसा काम ना करो कि बुढ़ापा दुखद हो। और जीवन भर कोई ऐसा काम ना करो कि अंतिम बेला में पश्चाताप हो। ये नीति में कहा गया है। तो नीति में तो बड़ी उच्च बातें बताई गई है और आप हम ठीक इसके विपरीत काम करते हैं। दिन में कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि शाम को पश्चाताप में डूबते हैं। जो आदमी दिन में दूसरों के साथ छल करेगा, कपट रखेगा, विश्वासघात करेगा, वो आदमी कैसे रात में चैन की नींद सो पाएगा, जरा आप सोचिए। एक सही घटना मैं बता रहा हूं, जहां ये शरीर जन्मा वही की बात है। घर के सामने एक मकान था, गली थी, मकान था, और इतनी जमीन उनके पास थी कि खाने पीने भर का उत्पन्न हो जाता था। फिर भी उनको गांव में लपझप करने की आदत थी। निकले गांव में, किसी की बाड़ी में बैगन फला है, तोल ले 2-3 बैगन और जेब में डाल ले। मूली है, तैयार है, उखाड़ ले और पत्ता से रगड़ करके जेब में डाल लेते थे। अभी गर्मी का मौसम, आम का समय आया, तो आम का समय आया है, रखवाला बाग में रहता था, वो जाते थे, एक डंडा रखे रहते थे, लगाते थे और कुछ आम गिरा करके चल देते। हैकड़ी स्वभाव था, तो उनके स्वभाव को देख करके गांव वाले कुछ कहते नहीं थे, और ज्यादा नहीं, थोड़ा काम भर का लेते थे। किंतु जैसे वो घर में आते थे, तो कभी कभी उनके घर में मुझे जाना होता था शाम के समय 7-8 के बीच में, छोटा था तब, तो देखता था कि वो आदमी कभी चैन की नींद नहीं रहते, अक्सर उदास रहता था। एक दिन गया शाम के समय, तो देखा उनके आंखों से पानी निकल रहा था, आंसू बह रहा था। तो मैंने गया, गांव के रिश्ते में चचा का रिश्ते थे, उनसे कहा, चाचा जी क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? जैसे मैंने कहा, वो आदमी कहने लगा कि कहां उदास हूं, कहां रो रहा हूं। अब कैसे कहे कि अमुक संस्कार मुझे कचोट रहा है, कहा नहीं जा सकता है ना। कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि अपनी जान उघारी के अपनी कहीं न जाए, की चित जाने आपनो औ की मेरो जन गाए। अपनी त्रुटियों को लोगों के सामने कैसे कहा जाए, यह होता। तो इसीलिए नीति में कहा गया है कि दिन में कोई ऐसा काम ना करो कि शाम को पछताना पड़े। और 8 माह इतना धन कमाओ कि 4 माह बरसात ठीक से बीते। जवानी में ऐसा काम ना करो कि जिससे बुढ़ापा दुखद हो। और होता है, एक आदमी था, एक बार एक आदमी को मारा, तो उस मार से वो आदमी बीमार पड़ा, मर गया। किसी ने देखा नहीं, किंतु वो संस्कार उसके मन में चिपका, और ऐसा चिपका कि वो आदमी को चैन से रहने नहीं दिया। तो एक दिन एक संत के पास आकर के उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैंने तो उस आदमी का काम एक ही बार में पूरा कर दिया और उस दृश्य को किसी ने जाना नहीं, किंतु
जब भी मैं रात्रि में सोने बिस्तर में चलता हूँ, बिस्तर ठीक करके पत्ती आप करके सोता हूँ, वो आदमी नंगी तलवार लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। मैंने तो उस आदमी का काम एक ही बार में पूरा कर दिया, किंतु वो आदमी मुझे हर दिन मार रहा है, क्या करूं? यह है जो कुछ भी हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, उसका संस्कार हमारे हृदय में रिल हमारे हृदय पट पर छप रहा है और वही सामने आता है। इसीलिए कहा गया है कि जवानी में ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे बुढ़ापा दुखद हो। एक विद्वान ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि दिन के उजाले में कोई ऐसा काम ना करो कि रात्रि आप करवटे बदलते रह जाओ, समझे? और रात्रि की अंधियारी में कोई ऐसा काम ना करो कि दिन के उजाले में आपको सर ढाक करके चलना पड़े। बस आप हम और कुछ कर पाए या ना कर पाए, इन दोनों बातों की याद रखें। एक बार मैं और दोहरा दूं, दिन की उजाले में आप हम कोई ऐसा काम ना करें कि रात्रि आप हम करवटे बदलते रह जाएं, और रात्रि की अंधियारी में कोई ऐसा काम ना करें कि दिन के उजाले में सर ढाक करके आप हमको चलना पड़े। बस चारों वेद छहो शास्त्र इस दोनों लाइन में समाया हुआ, यही जीवन जीने की कला है। कहा गया है, सदगुरु ने कहा है कि जीना ऐसा जीना हो जीन कभी तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो और मर कर फिर ना आए तू। मतलब हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे मन क्रम वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, और मरना ऐसा हो कि मरने के समय पछताना ना पड़े। कबीर साहब ने और भी कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, एक कबीर साहब ने कहा। तो हमारा जीवन ऐसा कि हमारे मन क्रम वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, यही मरने कर यही जीने की कला है। और मरने की कला है कि अंत में किसी प्रकार का पश्चाताप ना हो। रोते रोते जन्म लेना, शिकायत करते हुए जीना और अंत में पछताते पछताते मरना। रोते रोते जन्म लेना ये तो प्रकृति का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, किंतु जो शिकायत करते हुए जी रहे हैं इसको तो हम सुधार सकते हैं ना। किंतु देखा जाता है आज आदमी के जीवन में केवल शिकायत है, बट सम्मान नहीं मिला, बढ़िया भोजन नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली। तो जो आदमी शिकायत करते हुए जी रहा है वो आदमी अंत में पछताते पछताते मरेगा भी तो ना, क्योंकि उसके जीवन में केवल शिकायत ही है। एक आदमी था, मर गया था, रोड पर लाश पड़ी हुई थी, उठाए नहीं, कपड़ा डाल दिए। एक मस्त आराम जा रहा था तो वो आदमी देखा कि एक आदमी लेटा, उसे क्या पता कि वो लाश है। तो मस्त आराम जा रहा था, मस्त आराम था, आप समझ गए, उसको इतना ज्ञान नहीं था कि ये जिंदा है कि मुर्दा। लोग कपड़ा ढांक दिए थे और जो भी आदमी जाते थे गाड़ी से तो गाड़ी मोड़ करके जाते थे। तो वो मस्त आराम सोचा, देखो ये आदमी का जीवन कितना निश्चिंत है, बीस सड़क में लेटा है, लोग गाड़ी मोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा निश्चिंत मैं भी रहूं, सोचने कल्पना कर रहा। गया निकट, चद्दर से मतलब चद्दर ढकी थी कान में, चद्दर हटाया, कान में मुख लगाया और कहने लगा कि जितना निश्चिंत आप हो
ऐसे निश्चिंत रहने की सीख मुझे भी तो दीजिए। अब वहीं पर वो कहने लगा कवि, मतलब कवि ने वहां पर कल्पना किया कि मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मरना है, फांसी नहीं लगाना है, मैंने शुरू में कहा। मन में जो उबाल आ रहा है, दूसरे के धन को देखकर, दूसरे के सम्मान को देखकर, दूसरे के वैभव को देखकर, बस ललचाने की जो आदत है, जिसके नाते हम भटक रहे हैं, जिसके नाते रात्रि में नींद नहीं आ रही है, बस उसको समाप्त करके मरना, यही मरने की कला। एक उदाहरण दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे यहाँ सत्संग हो रहा, ऐसे एक जगह सत्संग हो रहा, जैसे आप सब आसपास से आए हैं, लोग आ रहे थे, तो जब एक आदमी दूसरे गांव से चला, तो गांव से चला तो बीच में एक टोला पड़ा, जैसे एक टपड़ा रहा होगा, तो घर के रोड के किनारे एक मकान था, तो पिंजड़े पर एक तोता बैठा, तो वो आदमी तेजी से चल रहा था, तब तोता ने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो आदमी ने कहा कि अमुक जगह संत आए हैं, सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूं। तो तोता ने कहा, आप जा तो रहे हैं, अच्छा है, संत जी से पूछना मेरा उद्धार कैसे हो, संत से पूछना। वो आदमी गया, पीछे बैठा, सत्संग संत जी बोल रहे थे, सत्संग समाप्त हुआ, लोग मिले, तो वो आखिरी में जा करके मिला और संत नमस्कार करके तोता के प्रश्न को रखा, संत जी मैं आ रहा था तो रास्ता में एक तोता मिला, उन्होंने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे हो। जैसे उस आदमी ने प्रश्न किया, संत जी बेहोश हो गए और बेहोश होकर के गिरे, जैसे हो गए, तो जैसे बेहोश होकर के गिरे, वो आदमी घबराया और घबरा करके भगा, वो ऐसा ना हो कोई देख ले मुझे, पकड़ करके मारने लगे का, और जा रहा था, रास्ता रास्ता जा रहा था, जब तोता के पास पहुंचा, तब तोता ने पूछा कि आप संत जी से मेरे प्रश्न रखा? तो उस आदमी ने कहा, जैसे मैं आपके प्रश्न रखा, संत जी बेहोश हो गए, संत जी बेहोश हो गए, ये उन्होंने बताया। तो जैसे उस आदमी ने बताया, तोता भी बेहोश हो गया। वो आदमी सोचा, मामला क्या है, संत जी के पास प्रश्न रखा, संत जी बेहोश हुआ, तोता को बताया, तोता भी बेहोश हो गया, वो आदमी भगा। ऐसा ना हो घर मालिक आए और मुझे पकड़े, पीटने लगे कहा कहा। कुछ देर बाद घर मालिक आया, देखा तोता पिंजरा में मरा हुआ है, हिलाया डुलाया, बाहर निकाला तो एकदम बस मरे जैसे रहा। आदमी सोच, घर मालिक सोचा, तोता तो मर गया है, कह करके छोड़ दिया। घर की ओर जैसे वो लौटा, पिंजरा फर से उड़ गया, जो तोता था वो फर से उड़ गया। देखो ये एक उदाहरण है, कोई ऐसी घटना होती नहीं, समझाने के लिए उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है, जीने का रास्ता है अपने को मारना। हमारे मन में जो उबाल आ रहा है, चाहनाएं उठ रही है, कामनाएं उठ रही है, नाना प्रकार की इच्छाएं उठ रही, जिसके नाते आप हम परेशान हैं, जिसके नाते रात्रि में नींद नहीं आ रही है, जिसके नाते आप हम संसार में भटक रहे हैं, बस उसको समाप्त करके मरना ही मरने की कला है। और यह कला वही आदमी जानेगा जो आदमी जीने की कला जानता है। मैंने कहा कि हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे मन क्रम वाणी के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना, और मरे इस ढंग से कि मरने के समान, मरने के समय धन परिवार छूट रहा है, इसका पश्चाताप ना हो। यही जीव जीने और मरने की कला है। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और हमारे बीच श्रद्धेय संत उपस्थित हैं, उन लोगों के भी विचार आप हम सुनेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की।